इस जेल में 26 कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। 70 महिला कैदियों के टेस्ट होने बाकी। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जेल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जेल में 26 कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। इन कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव होने का खुलासा तब हुआ जब हाल ही में जेल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच कैंप लगाया गया था। ये कैंप 10 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जिला कारागार में 3 चरणों में लगाया गया था, जिसके बाद जेल प्रशासन को 26 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले। दरअसल ये मामला सामने आने के बाद इतनी संख्या में एचआईवी पॉजिटिव कैदी मिलने के बाद जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जेल में पॉजिटिव पाए गए कैदियों की जांच स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 3 चरणों में कैंप लगाकर की थी। इन पॉजिटिव कैदियों की लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आर्ट थेरेपी शुरू हो गई है। अभी 70 महिला कैदियों के टेस्ट होना बाकी हैं। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी जिला जेल में कैदियों की जांच 10 अगस्त से 1 सितंबर के बीच की गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 3 चरणों में कैंप लगाकर एचआईवी टेस्ट किए थे। इसकी रिपोर्ट में 26 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। ये मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल पहुंच चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव मिले कैदियों को दूसरे कैदियों से अलग कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 200 कैदियों की जांच की गई थी, जिसमें 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। वहीं 70 महिला कैदियों का टेस्ट होना अभी बाकी है। पॉजिटिव मिले 2 कैदियों की लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल में आर्ट थेरेपी चल रही थी। अब नए 24 मरीजों की आर्ट की जाएगी। जिला जेल में कुल 3300 कैदी हैं। इस मामले में जेलर आलोक ने कहा कि रूटीन जांच में 26 कैदी एचआईवी मिले हैं, इनका इलाज जारी है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश यादव ने कहा कि अभी हम लोग कैदियों के इलाज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कारण पता लगाया जा रहा है। इसमें से कुछ कैदी पुराने भी हैं। जिन कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनके परिवार वालों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। उन कैदियों का खास ध्यान रखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनरिया वन इंडिया हिंदी के साथ।